अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हूर फातिमा और आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। खुसूसी नुमाइंदा मोहम्मद यूनुस गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहावुद्दीन मुल्क भर की तरह जिला मंडी बहावुद्दीन में भी यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट जिनाह पब्लिक स्कूल में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत मुनक़द हुई। तलबा और तालबात ने मिली नगमों तकरीरों और टैबलोस के जरिए शहदा और गाजियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में आगाही रैली भी मुनक़द की गई। मंडी बहावुद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती और बका को लाहिक किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम और मुसलह फौज यकजान हैं। पाक फौज के जवान, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे और शहरी वतनी अजीज की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। शहदा और इनके लवाहिकीन कौम के हीरो और सरमाया हैं। जिंदा कौमें कभी अपने शहदा को नहीं भूलती। इनका कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मनों को ये जान लेना चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना हर महाज पर लड़ने को तैयार है और 6 सितंबर 1965 की तरह दुश्मन को नाकुचने चबाकर निशाने इबरत बनाएंगे। उन्होंने इस अजम का इजहार किया कि शहदा की रिवायत को बरकरार रखते हुए मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए किसी कुर्बानी से दुरेक नहीं किया जाएगा। उन्होंने वालदेन और स्कूली इंतजाम से अपील की है कि वो खसूसी तवज्जो देकर बच्चों में जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करें।